हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं 3 ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक जिन्होंने पहले भी यहाँ पे अच्छे रिटर्न दिए और आज भी देने वाले हैं दोस्तों। तो कौन से वो स्टॉक होने वाले हैं सभी देखेंगे दोस्तों, वीडियो पूरे ध्यान से देखते रहना। उससे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी मैसेज कर सकते हो @bossls, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग है दोस्तों, जो सबसे पहला जो स्टार्टिंग स्टॉक है वो है हमारा यहाँ पे इंडिगो का दोस्तों। इंडिगो, तो यहाँ पे इंडिगो एविएशन, इंटर ग्लोबल एविएशन, तो शॉर्ट नेम इंडिगो। तो यहाँ पे हमने स्टॉक का यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन दिया था दोस्तों, जो कि था लगभग यहाँ पे 2535 रुपये का, और देखोगे तो स्टॉप लॉस दिया था 6% का, और उसमें यहाँ पे गेन कितना दिया था दोस्तों, यहाँ पे 18% के टारगेट दिए थे और 3000 का लेवल बताया था। और 3000 का लेवल देखिए वहाँ पे टच करके कंसोलिडेशन दिया, और हमने ऐसा लेवल कैसे निकाला दोस्तों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो पीछे, अगर आप इसके लेवल्स देखोगे तो पीछे कोई लेवल नहीं है दोस्तों। तो यही है हमारी एक्यूरेसी दोस्तों, कि आगे के लेवल्स को भी हम यहाँ पे प्रोडिक्ट कर सकते हैं विद टेक्निकल एनालिसिस, जैसे कि जो 3290 का लेवल फाइंड आउट किया है, 3650 का लेवल फाइंड आउट किया, ये कैसे किया, क्यों किया, कब किया, ये तो आपको पता लगेगा हमारे स्विंग ट्रेडिंग के कोर्स में जो कि हम कुछ ही दिनों में लॉन्च करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखोगे तो 2535 रुपये बोला था, तो यहाँ पे बड़े आराम से ये चलता गया। अभी दोबारा से लेके आ चुके हैं आपके लिए एक ट्रेड, 3000 का लेवल जहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, ये देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक बाइंग जो है यहाँ पे एक्शन लेना है दोस्तों, बाइंग करनी है। और हालांकि ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। 2971 रुपये का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, सिर्फ 3% का दोस्तों। और अगर आप टारगेट देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट 2 रहेगा, यानी कि 6% का आपका टारगेट रहेगा 3290 रुपये का। और इससे नेक्स्ट टारगेट जो है दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है वो है यहाँ पे 18% का, यानी कि 3650 का आपका टारगेट रहने वाला। पहले भी 18% का बताया था, अभी भी 18% का ही बता रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे दोस्तों इंडिगो में। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की दोस्तों। तो यहाँ पर जो है एक्चुअली नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों वो है डिलीवरी का, तो डिलीवरी लिमिटेड का स्टॉक यहाँ पे आपके सामने खुल के जा रहा है दोस्तों। ये देखोगे यहाँ पे हमने बहुत बार इसको ट्रैक भी किया दोस्तों, पहले भी ट्रैक किया, और ये देखोगे यहाँ पे कितने ज़बरदस्त इसमें लेवल्स थे दोस्तों। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तब हमने कैप्चर किया था दोस्तों ये स्टॉक, और फिर अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी टाइम में इसमें ब्रेकआउट हुआ छोटे छोटे, तो ट्राइंगल ब्रेकआउट यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अभी यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट है दोस्तों। अब ब्रेकआउट मल्टी है, मल्टी ब्रेकआउट मतलब यहाँ पे मल्टी कन्फर्मेशन है, ये एक ब्रेकआउट हुआ ट्राइंगल कैन, ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, और 419 के लेवल का भी ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, वॉल्यूम के साथ में हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। ये कुछ न्यूज़ आप पढ़ सकते हो दोस्तों, जैसे कि ये थोड़ी सी पुरानी है, तो महाराष्ट्र में कुछ करने जा रही है कंपनी, तो 4% का आपका स्टॉप लॉस रहेगा 402 रुपये का दोस्तों, और टारगेट जो यहाँ पर रहेगा दोस्तों 10% का रहेगा, यानी कि 465 रुपये का रहेगा दोस्तों। और नेक्स्ट जो टारगेट यहाँ पे रहेगा 18% का रहेगा, 499.80 या 85 का रहेगा दोस्तों, ये टारगेट आपका डिलीवरी में। अभी नेक्स्ट स्टॉक की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों वो है हमारा इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड दोस्तों। अभी इस स्टॉक में आप देखो ना, तुमने बहुत डिटेल एनालिसिस, थोड़ा रिस्की स्टॉक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप मतलब स्मॉल कैप कंसिडर कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है, निफ्टी 500 में ही है, स्मॉल कैप नहीं है दोस्तों। आपको लग सकता है कि क्योंकि प्राइस थोड़ा कम है, हालांकि निफ्टी 500 के भी बीच में आता है स्टॉक ये। तो इन्फीबीम का चार्ट, इन्फीबीम का एवेन्यूज का चार्ट है ये। अभी यहाँ पे ना हमने ये जो है ट्राइंगल पैटर्न बनाया है ना, जो वो मैं दिखाता हूँ, पहले ये ट्रेंड लाइन में डिलीट करना चाहूँगा, ये जो वाइट लाइन की लाइन ना, अभी देखिएगा दोस्तों आराम से ए पॉइंट से देखिएगा दोस्तों सी पॉइंट तक, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन की ट्रेंड लाइन है ना वो देखिएगा, बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है प्राइस, यहाँ से वापस आ गया दोस्तों, रिवर्सल ले गया प्राइस, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया। और यहाँ पे अगर आप ए से जो बी की लाइन है वो देखोगे, तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन की, यानी कि एक लेवल को इम्पोर्टेंस दी। फिर यहाँ पे डी से सी तक देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पे जो है यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन होकर कंसोलिडेट करके रिटेस्ट करके फिर ऊपर गया दोस्तों। तो ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अभी डी से बी की जो लाइन है ये देखोगे, तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, मतलब कुछ भी ये मकड़ जा लाना है सारा, ये सारा कुछ यहाँ पर जो दोस्तों वो है टेक्निकल एनालिसिस का खेल है दोस्तों। तो अभी 23.35 रुपये का भी एक लेवल है जो कि यहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया दोस्तों, और ब्रेक तो किया और इसका हाई भी ब्रेक किया, ये देखिए कैंडल के विक का हाई ये वाली,
24 रुपए 25 पैसे का लेवल ये अभी ब्रेक हुआ। पहले मैं बता सकता था जब 23 रुपए 35 पैसे का लेवल ब्रेक हुआ, बट मुझे ये वेट करना था कि इसका लेवल ब्रेक हो, और वो हो गया दोस्तों। अब आपको यहाँ पे एंटर करना है, और ऑलरेडी एंट्री भी कर सकते थे बट मेरे को मल्टी कंफर्मेशन चाहिए थी दोस्तों। तो आपको 2360 रुपये का लेवल यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट जो आप रखोगे वो 8% का रखोगे दोस्तों, लगभग 8% का, और कुछ क्वांटिटी दोस्तों यहाँ पे आप 25 रुपये 50 पैसे भी निकाल दोगे दोस्तों। यानी कि आपको 100 क्वांटिटी बाई की है तो 20 क्वांटिटी निकाल दोगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, और 30 रुपये 50 पैसे का लेवल नेक्स्ट रहेगा दोस्तों आपका 24% का लेवल, जो कि आप पोजिशन में भी कर सकते दोस्तों थोड़ा। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बताना, और हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेड मिलती रहती है दोस्तों।